चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पिछले हफ्ते ही अजय देवगन स्टारर फिल्म बादशाह रिलीज हुई है। रिलीज होने के बाद ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाधर कमाई कर रही है। इस फिल्म का इंतजार फैंस को काफी लंबे समय से था, क्योंकि इस फिल्म में बेहतरीन कास्ट के साथ जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त गाने भी हैं। फिल्म में अजय देवगन के अलावा इमरान हाशमी, रेनिया डिसूजा, ईशा गुप्ता और संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की, तो दो दिन में इस फिल्म ने 27 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया, तो वहीं रविवार को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई थी। आपको बता दें कि इसने तीसरे दिन कलेक्शन भी सामने आ चुका है। जी हां, ट्रेलर आश्रित तरण आर्स ने इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। तरण आर्स ने बताया कि इस फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में फिल्म के अच्छे प्रदर्शन किया है। तरण के मुताबिक फिल्म ने शुक्रवार को करीब 12 करोड़ रुपए कमाई, तो वहीं शनिवार को 16 करोड़ रुपए के साथ साथ शनिवार और रविवार के बीच उन्होंने 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इस तरह से फिल्म ने टोटल करीब 44 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। तरण के इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं। बात करें फिल्म को, तो इस फिल्म को मिलन लुथिया ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले उसने कच्चे धागे, 157 टाइम मुंबई, द डर्टी पिक्चर और 147 टाइम मुंबई अगेन दोबारा जैसी फिल्में बना चुके हैं। बात करें बादशाह की, तो इसकी कहानी 1975 के इमरजेंसी के इर्द गिर्द बनाई गई है। इस फिल्म के डायलॉग और एक्शन जबरदस्त दर्शकों को पसंद आ रही है।